काफी सालों से गोलन पहाड़ियों को लेकर विवाद गहराता आया है। अब इसको लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ने नया ऐलान किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब समय आ गया है कि अमेरिका गोलन पहाड़ियों को इसराइल के इलाके के रूप में मान्यता दे। 1967 में सीरिया के साथ युद्ध के दौरान इसराइल ने गोलन पहाड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया था। तभी से दोनों देशों के बीच इस इलाके को लेकर विवाद चला रहा है। ट्रंप ने ट्वीट कर कहा कि ये पठार इसराइल और क्षेत्र की स्थिरता के लिए रणनीतिक और सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है। इसराइल ने 1981 में इस इलाके पर अपना दावा बताते हुए गोलन पहाड़ियों में अपना प्रशासन और कानून लागू किया था, लेकिन दुनिया भर के देशों ने इसे मान्यता नहीं दी थी। सीरिया लगातार इस इलाके को वापस पाने के लिए कोशिशें कर रहा है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गोलन पहाड़ियों पर इसराइली इलाके के रूप में मान्यता देने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का शुक्रिया अदा किया है। नेतन्याहू ने ट्वीट किया, ऐसे समय में जब ईरान इसराइल को बर्बाद करने के लिए सीरिया को प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने गोलन हाइट्स पर इसराइली संप्रभुता को मान्यता दी है, राष्ट्रपति ट्रंप का शुक्रिया। अरब और इसराइल के संघर्ष की छाया मोरक्को से लेकर पूरे खाड़ी क्षेत्र पर है। इस संघर्ष का इतिहास काफी पुराना है। 14 मई 1948 को पहला यहूदी देश इसराइल अस्तित्व में आया। यहूदियों और अरबों ने एक दूसरे पर हमले शुरू कर दिए, लेकिन यहूदियों के हमलों से फलिस्तीनियों के पांव उखड़ गए और हजारों लोग जान बचाने के लिए लेबनान और मिस्र भाग खड़े हुए। 1948 में इसराइल के गठन के बाद से ही अरब देश इसराइल को जवाब देना चाहते थे। जनवरी 1964 में अरब देशों ने फलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO नामक संगठन की स्थापना की। 1969 में यासिर अराफात ने इस संगठन की बागडोर संभाली थी। इसके पहले अराफात ने फतह नामक संगठन बनाया था जो इसराइल के विरुद्ध हमले कर काफी चर्चा में आ चुका था। इसराइल और इसके पड़ोसियों के बीच बढ़ते तनाव का अंत युद्ध के रूप में हुआ। ये युद्ध 5 जून से 11 जून 1967 तक चला और इस दौरान मध्य पूर्व संघर्ष का स्वरूप बदल गया। इजरायली मिस्र को गाजा से, इसराइल के गोलन पहाड़ियों से और जॉर्डन को पश्चिमी तट और पूर्वी यरूशलेम से धकेल दिया। इसके कारण 5 लाख और फलिस्तीनी बेघर हो गए।